गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज अपन 11 साइंस के फर्स्ट चैप्टर बेसिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये चैप्टर अपनी केमिस्ट्री का बेसिक है। कैसे कि इस चैप्टर में अपन बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला है, छोटे छोटे थिंग्स हैं जो कंसेप्चुअल हैं, मोल कंसेप्ट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये बहुत सारे कंसेप्ट और कुछ टॉपिक्स हैं जो अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है अपने पास मैटर और मैटर का क्लासिफिकेशन। तो मैटर होता क्या है? तो मैटर वो चीज होती है जो स्पेस में कोई ना कोई जगह को कवर करे, ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैव द मास, यानी उनके पास में कोई ना कोई स्पेस और मास रखती हूँ, वो थिंग्स क्या होती है अपने पास? मैटर होती है। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कि मैटर इज, मैटर क्या है, तो मैटर लिख सकता हूँ एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास कॉल्ड मैटर। यानी वो कोई ना कोई स्पेस कवर करे और उनके पास में उनका मास हो तो वो सभी थिंग्स क्या कहलाएंगे अपने पास? मैटर। ठीक है, अगर मैं जनरली इस मैटर की बात करूं तो देखिए आपने देखा होगा कि फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर इस मैटर को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। तो फर्स्ट इज फिजिकल कंपोजिशन एंड सेकेंड इज केमिकल कंपोजिशन। बात समझ में आ रही है? तो देखिए फिजिकल कंपोजिशन की बात करें तो यहां इसके तीन पार्ट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन से बता रहा हूं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऐसे अगर मैं केमिकल कंपोजिशन की बात करता हूं तो उनको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और सेकंड होगा अपने पास मिक्सचर। क्या कह रहा हूं? मिक्सचर। अगर मैं आगे बात करूं इसके प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस को मैं फर्दर क्लासिफाई कर सकता हूं किस किस में? एलिमेंट्स में, और सेकंड अपने पास आ जाएगा कंपाउंड्स। अगर मैं इन एलिमेंट्स को भी फर्दर क्लासिफाई करूं तो अपन ने पीरियडिक टेबल का नाम सुना होगा, मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो मोजरे ने प्रिपेयर की है। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में आपने देखा होगा जो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, उनको क्या कर रखा है? एक सिस्टम तरीके से अरेंज कर रखा है। तो वो सभी के सभी है क्या? एलिमेंट्स। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि इन एलिमेंट्स को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा, मेटल्स, नॉन मेटल्स, थर्ड इज मेटलोइड, मेटलोइड एंड दीज आर आल्सो नोन एज सेमी मेटल्स। क्या कह रहा हूं? मेटलोइड्स और सेमी मेटल्स। चलिए आगे चलते हैं, कंपाउंड की बात करें तो इनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड होता है अपने पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जितने भी हाइड्रोकार्बन है भले वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्कोहल्स हो, ईस्टर हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो, बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो सारे सारे इसी में अपन कवर करते हैं। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो जैसे आपने देखा होगा HCl है, KCl है, H2O है, CO2 है, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इन हाइड्रोकार्बन को छोड़ दें तो जो बचे हुए जो कंपाउंड है वो अपने पास कौन से होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। चलिए आगे चलते हैं, तो इसमें अगर मैं बात करूं मिक्सचर की, ध्यान देता हूं मैं इसको वापिस, इन और
अगर मैं मिक्सर की बात करूं तो मिक्सर को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक ऐसा मिक्सर जिसमें दो कंपोनेंट या मोर देन टू कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद में उनको इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए, दैट मीन्स दे हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्मली इन द मिक्सर। तो क्या कह रहा हूं मैं, इसके बेसिस पर इसको मैं लिख दूं, एक होमोजीनस मिक्सर और सेकेंड अपने पास कौन सा हो जाएगा, हेटरोजीनस मिक्सर हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर आपने देखा हो तो अगर मैं शुगर को वाटर में डिजोल्व कर दूं और डिजोल्व करने के बाद में आपसे पूछा जाए कि शुगर और वाटर को आइडेंटिफाई कीजिए, तो आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंटेनर वो क्या हो गया, मिक्स हो गया, और मिक्स होने के बाद में उनका कंपोजिशन एक तरह का सेम दिखता है, यूनिफॉर्मली दिखता है, एक जैसा दिखाई देता है, इसलिए वो मिक्सर कौन सा हो जाएगा अपने पास, होमोजीनस। अगर मैं हेटरो की बात करूं तो ये कह रहा है कि डिफरेंट कंपोजिशन होगा क्या, कि ये इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट अपन देख ऐड कर रहे हैं वो दोनों के दोनों डिफरेंट दिखाई देते हैं, इजी वे में अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सैंड ले लूं और सैंड में वाटर डाल दूं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सैंड और वाटर जो मिक्सर दे रखा है उसमें सैंड कहाँ और वाटर कहाँ है। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि जो मिक्सर होगा वो कौन सा होगा, हेटरोजीनस मिक्सर होगा। तो ये था अपने पास क्लासिफिकेशन था। अब अपन इसी क्लासिफिकेशन को फर्दर अपन डिस्कस करते हैं कंप्लीटली, नोट कीजिए। देखिए अब अपन मैटर के अंदर जो फिजिकल कंपोजिशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं फिजिकल कंपोजिशन की, तो इस कंपोजिशन में जो होने वाले चेंजेस भी होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस ही होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं इनकी, तो इस के अंदर मैं एग्जांपल दे देता हूं सॉलिड। अगर मैं सॉलिड की बात करता हूं, सॉलिड कंपाउंड्स की बात करता हूं, तो ये जो सॉलिड कंपाउंड होते हैं इनकी जो शेप और वॉल्यूम होता है वो दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो मैं लिखता हूं कि दे हैव बोथ शेप एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड। तो इनका जो शेप और वॉल्यूम होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अगर आपने कभी देखा हो, जैसे ये पेन की बात करूं तो ये सॉलिड है, तो इस कंपाउंड के अंदर, इस सॉलिड कंपाउंड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इंट्रा मॉलिकुलर डिस्टेंस, वो बहुत ही कम होती है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो स्ट्रेंथ होता है, और इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं लिक्विड की, किसकी बात कर रहा हूँ, लिक्विड की, तो लिक्विड की मैं देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ पहले समझने से पहले। मैंने ये कप ले लिया और इस कप में मैंने वाटर ऐड कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वाटर है उस वाटर की जो शेप होगी वो इस कप की डिजाइन के अकॉर्डिंग हो गई, लेकिन जैसे मैंने इस बोतल को एक अदर पोर्ट में लिया तो ये जो बोतल की जो शेप है, देखो यहां ध्यान रखना है कि यहां वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज सेम इन बोथ कंटेनर, दोनों कंटेनरों में वाटर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहां जो शेप हो रही है, शेप ऑफ वाटर, वो इस कप के अकॉर्डिंग हो गई, और फिर जैसे मैंने इस अदर पॉट में मैंने ऐड किया, इस वाटर की शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं लिक्विड के लिए सॉरी कि इन दिस लिक्विड स्टेट शेप इज चेंज वाइल वॉल्यूम इज फिक्स्ड। शेप चेंज हो सकती है लेकिन वॉल्यूम उसका क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। तो ये जो कंपोजिशन है वो कौन सा है, फिजिकल कंपोजिशन में लिक्विड का कंपोजिशन कहलाएगा। तीसरे की बात मैं करता हूं, तीसरा अपने पास है गैसियस यानी गैसेस वाला। अगर मैं गैसेस की बात करूं तो मैं अगर किसी कंटेनर में
गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ तो वो क्या होते हैं, उनके बीच के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होते हैं, तो वो क्या होंगे, दूर दूर होंगे, तो उनकी जो वॉल्यूम और जो शेप है वो दोनों के दोनों ही फिक्स नहीं होती है। यानी मैं ये कहूँ जो थर्ड पॉइंट अपने पास है वो है गैस। तो अगर मैं इनके लिए कहूँ, जैसे मैंने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर मैंने ये गैसेस मॉलिक्यूल रख दिए, अब देखिए इन गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है तो ये दूर दूर होते हैं। दूसरा, इनकी जो शेप होती है वो भी फिक्स नहीं होती है, दूर दूर होने की वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एब्सेंट होने की वजह से ये कह सकता हूं कि नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम इज फिक्स, दोनों की दोनों ही चीजें क्या होंगी इसमें फिक्स नहीं होंगी। तो ये जो कंपोजिशन था फिजिकल का उस पर अपन ने बात की, सॉलिड लिक्विड एंड गैस के, ठीक है बात समझ में आ गई होगी। चलिए नोट कीजिए, आगे चलते हैं फिर। चलिए अपन सेकंड कंपोजिशन की बात करते हैं, हम इसमें केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान रखना, केमिकल कंपोजिशन के अंदर, केमिकल कंपाउंड्स की बात के अंदर, केमिकल कंपाउंड्स की बात हो रही है और उनके बेसिस पर उनका जो कंपोजिशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक मिक्सचर और दूसरा प्योर सब्सटेंस। अगर मैं पहले वाले पॉइंट की बात करूं कंपोजिशन में, कौन सा कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वो आपके पास है प्योर सब्सटेंस। यानी यहां जो कंपोजिशन है कंपाउंड्स का और उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे प्योर स्टेट में प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं इन प्योर सब्सटेंस की बात करूं तो उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, फर्स्ट एलिमेंट्स और सेकंड कंपाउंड्स। ठीक है, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करता हूं तो देखिए अपन ने पढ़ा है, ये जो प्री टेबल देखी है आप लोगों ने, ये इस तरह से ये प्री टेबल होती है अपने पास, और इस प्री टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है वो मॉडर्न प्री टेबल की बात कर रहा हूं, तो मॉडर्न प्री टेबल के अंदर जो एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है, जो अरेंजमेंट है, वो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज कर रखा है। तो अगर मैं बात करूं यहां एस ब्लॉक, यहां बी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और यहां आपने देखा होगा यह एक नीचे से एक टेबल और बना रखी है, तो ये जो ब्लॉक है वो अपने पास कौन सा है, ए ब्लॉक है। और इसी टेबल के अंदर आपने इस तरह से आपने एक जिगजैग लाइन देखी होगी, तो इधर इस जिगजैग लाइन के इधर जो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सभी सभी कौन से हैं, नॉन मेटल्स हैं, और जो यहां है इसके अंदर इधर वो सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, और जो इस जिगजैग लाइन के ऊपर है यहां पर ये सारे के सारे एलिमेंट्स अपने पास क्या कहलाते हैं, मेटेलॉइड, या मैं इनको कह दूं सेमी मेटल्स। बात समझ में, तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो प्योर स्टेट में इस फ्री टेबल में होते हैं, तो वो क्या है, प्योर फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इनको अपन ने क्लासिफाई कर रखा है प्योर सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, तो देखिए मेटल्स सबसे ज्यादा कौन सी होती है, मेटल्स होती हैं, और फिर नॉन मेटल और सबसे कम सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स होती हैं। अगर मैं क्वांटिटी के बेसिस पे देखूं तो मेटल सबसे ज्यादा होती हैं, फिर उससे कम नॉन मेटल्स होती हैं, और फिर सबसे कम सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, सेमी मेटल्स और मेटेलॉइड्स, बात समझ में आई क्या। ठीक है, तो ये मैंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन भी मैंने यहां कर दिया कि कौन कौन से होंगे, पहला अपने पास हो गया मेटल, सेकंड कौन सा हो गया नॉन मेटल, थर्ड कौन सा हो गया मेटेलॉइड्स। अपन जब प्री टेबल के बारे में बात करेंगे तो अपन इन तीनों का अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब जब बात करते हैं कंपाउंड्स की, तो देखिए कंपाउंड्स को मैंने पहले पार्ट लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करता हूं तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स और इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं जितने भी हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन्स की तो आप लोगों ने जो 10th में पढ़ा है वो पढ़ा है एल्केन्स पढ़ा है, एल्कीन पढ़ा है, एल्काइन्स पढ़ा है, इसके अलावा एल्कोहल्स पढ़े हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़े हैं, ईस्टर पढ़े होंगे। तो ये सारे के सारे इसमें कंसिडर्ड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जहाँ आपने एल्केन का जो फॉर्मूला देखा होगा वो था CnH2n+2, एल्कीन का जो फॉर्मूला था वो था CnH2n, और जो एल्काइन का था वो था CnH2n-2। तो अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूँ तो CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, C4H10 हो गया। ये सारे सारे क्या है अपने पास एल्केन्स हैं। चलिए अगर मैं बात करूं एल्कीन की तो यहां अपने पास हो गया C2H2, जितने कार्बन उतने के डबल क्या होंगे, ठीक है, तो C2H4 हो गया, C3H6 हो गया, C4H8 हो गया, इस तरह से C5H10 ले लीजिए। तो जितने कार्बन उसके डबल क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन। जितने कार्बन उसके डबल क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं एल्काइन की तो जितने कार्बन होते हैं उनमें से डबल करके हाइड्रोजन को दो कम कर देना होता है। जैसे मैं अगर कहूँ C2H2, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है, इसको अपन एसिटिलीन भी कहते हैं कॉमन नेम्स में। और ये एसिटिलीन जो आपने देखी होगी वेल्डिंग जो आयरन पर होती है उसमें ऑक्सीजन के साथ में इस एसिटिलीन को मिक्स किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही इसी का जो कंपाउंड होगा दूसरा वो ये हो जाएगा C3H4 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इनको क्लासिफाई कर सकता हूँ। ऐसे एल्कोहल में CH3OH ले लीजिए, CH3CH2OH, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। तो ये जो क्लासिफिकेशन था वो था अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अगर मैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अदर की बात करता हूँ तो वो अपने पास किस में आ जाएंगे, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाएंगे। चलिए उनके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। अगर मैं इनके बारे में अलग बात करूँ तो यहाँ जो सेकेंड अपन डिस्कस कर रहे हैं वो अपने पास आ जाएगा कौन सा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो देखिए प्योर सब्सटेंस को अपने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, उसका जो दूसरा पार्ट होगा वो मिक्सचर होगा, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। अगर मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं तो आपने देखा होगा KCl, CO2, HNO3, H2SO4, NaOH, NaHCO3। ये जो जितने भी कंपाउंड्स हैं इनको छोड़ करके वो सारे सारे कंपाउंड इसमें आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लासिफाई हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो प्योर सब्सटेंस को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंट में और दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट में तीन पढ़ लिए अपन ने, कौन कौन से पढ़े, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। ऐसे ही कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा कौन सा पढ़ा अपन ने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अपन ने क्या रखा, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव रख दिए, जबकि जो इनके अलावा है वो सारे सारे इसमें रहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंसिडर हो जाएंगे। चलिए तीसरा और दूसरा टाइप अपन इसका पढ़ते हैं। पहला था अपने पास प्योर सब्सटेंस और दूसरा अपने पास आ जाएगा मिक्सचर। अब देखिए अगर मैं मिक्सर की बात करूं, अगर मैं मिक्सर की बात करता हूं, सेकेंड पार्ट अपने पास इसका मिक्सर। अगर मैं मिक्सर की बात करता हूं तो मिक्सर क्या होता है, तो अगर मैं ये कहूं कि मोर देन टू कंपोनेंट्स, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का अगर कंपोजिशन की बात की जाए, उनको मिलाया जाए, तो जो बनने वाला जो मिक्सर कंपाउंड होता है वो मिक्सर्स में आता है। तो ये कह रहा हूं कि मिक्सर इज द कंपोजिशन ऑफ, इट इज द कंपोजिशन ऑफ
टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, यानी दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा का कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो मिक्सर को अगर मैं इनके बेसिस पे डिवाइड करूं तो उनको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, सिंपल सा, एक होमोजीनस मिक्सर और सेकंड अपने पास हो जाएगा हेटेरोजीनस मिक्सर। अगर मैं होमोजीनस की बात करता हूं तो देखिए होमो का मतलब क्या होता है, ऐसा कंपोजिशन जिसमें जो कंपोज मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स का मिक्सचर बन रहा है वो थ्रू आउट द कंटेनर एक जैसा हो। क्या कह रहा हूं, होमो का मतलब सेम कंपोजिशन, यानी एक जैसा दिखाई दे यूनिफॉर्मली, क्या दिखाई दे रहे यूनिफॉर्मली सेम दिखाई दे, थ्रूआउट द मिक्सचर, यानी ऐसा कंपोजिशन, मैं क्या कह दूं, ऐसा कंपोजिशन जिसमें अगर मॉलिक्यूल दो कंपाउंड्स को या दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाए और मिक्स करने के बाद में उनको अगर ऐसे कहा जाए कि इनको आइडेंटिफाई कीजिए इंडिविजुअली, तो आप क्या इसको देख करके इंडिविजुअली कर सकते आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं शुगर और वाटर को मिक्स कर लूँ और फिर आप मिक्स करने के बाद में उसमें से कहा जाए कि सॉलिड कौन सा है, शुगर कौन सी और वाटर कौन सा है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कंपोजिशन हो गया वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंटेनर वो क्या हो गया, एक जैसा हो गया, यूनिफॉर्मली हो गया। तो अगर मैं ये कहूँ कि कैन नॉट आइडेंटिफाई सॉलिड एंड या कंपोजिशन, आइडेंटिफाई द कंपोजिशन आफ्टर मिक्सिंग, यानी उनको मिक्स करने के बाद उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो मैंने लिया शुगर प्लस अगर मैं वाटर को मिक्स करता हूं और शुगर और वाटर को मिक्स करने के बाद मैं यहाँ देखता हूँ तो जो शुगर होती है वो कंप्लीटली वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, तो यहाँ जो मिक्सर होगा वो मिक्सर क्या होगा, सेम कंपोजिशन का होगा, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंटेनर, यानी सभी पूरी किसी जगह भी देख लो ना उनका जो कंपोजिशन होगा वो एक जैसा होगा। तो ये जो एग्जांपल है, ये शुगर प्लस वाटर ले लिया मैंने, ऐसे ही सॉल्ट प्लस वाटर ले सकता हूँ मैं, ऐसे ही इंक प्लस वाटर ले सकता हूँ मैं, ऐसे ही मिल्क प्लस वाटर ले सकता हूँ। बात समझ में आ रही है, चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड अपने पास नाम से पता चल रहा है हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस का मतलब क्या है कि अगर मैं दो कंपोनेंट्स मिक्स करूं और दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद में आप उन दोनों कंपोनेंट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर ले, जैसे अगर मैं सैंड को वाटर में ऐड करूं तो सैंड क्या होगी, नीचे सकल डाउन हो जाएगी, तो वाटर को अलग से निकाल सकते हैं और सैंड को अलग कर सकते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि सैंड अलग दिख रही है और वाटर अलग दिख रहा है। तो ऐसा जो कंपोजिशन होता है वो कौन सा आ जाएगा, हेटेरोजीनस हेटेरोजीनस मिक्सचर कहलाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि डिफरेंट या मैं कहता हूँ नॉट डिफरेंट मिक्सचर, यानी मैं कह सकता हूं इजीली आइडेंटिफाई, इजीली आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स आफ्टर मिक्सिंग। अगर मैं इसकी बात करूं एग्जांपल्स की, तो अपने पास ले लिया मैंने सैंड प्लस वाटर, तो इनका जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन की बात की जाए तो दे हैव अ डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट फेज अलग अलग स्टेज में दिखाई देंगे, सॉल्ट सैंड अलग दिखाई देगी सॉरी और वाटर अलग दिखाई देगा। तो इस तरह से मैंने आज जो मैटर और मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, ये आपको याद रखना है।
ओके स्टूडेंट, ये कैसे क्लासिफाई होगा? मैटर था, मैटर को मैंने क्या कहा कि ऐसे थिंग्स जो स्पेस कवर करे और उनका कोई ना कोई मास हो, वो थिंग्स क्या कहलाएंगे अपने पास? मैटर। फिर मैटर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। पहला था फिजिकल कंपोजिशन और सेकंड था केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल कंपोजिशन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, सॉलिड स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अगर मैं केमिकल कंपोजिशन की बात करता हूँ तो केमिकल कंपोजिशन को फिर मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक प्योर सब्सटेंस में और एक मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाई हुआ, वो कौन कौन से थे? एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। और जो मिक्सचर था वो कौन कौन सा था? होमोजीनस एंड हिटरोजीनस। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ तो एलिमेंट्स को फिर मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। सेम इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो कंपाउंड्स थे उनको भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।